आज के इस वीडियो में हम लोग वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 12th क्लास के लिए बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पहला क्वेश्चन है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं किसके लिए? तो उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था अपने कार्य में और अनुवांशिकी के नियम दिया था, इसलिए जाने जाते हैं। यानी आंसर होगा ए और सी, बी। अगला क्वेश्चन, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी है और माता का रक्त वर्ग बी है तो उसके संतान के रक्त वर्ग ओ होगा, इसकी संभावना कितना है? तो 0%, 0% होगा, वो होने की संभावना 0%। अगला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के पैकेटिन में इस फेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। तो ये याद रखना है, कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के प्रोफेज, प्रथम के पैकेटिन फेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, एक गुणसूत्र से जीन दूसरे गुणसूत्र में ट्रांसफर होता है, उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगला क्वेश्चन, शुद्ध लाल है, लाल मतलब कैपिटल आर, और शुद्ध सफ़ेद है मतलब ऐसा, यानी एक लाल पुष्प है और एक कौन सा है, सफ़ेद है। ये जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद कैपिटल आर स्मॉल आर आता है और मेंडल के अनुसार आना चाहिए था लाल, लेकिन यहाँ पर आता है कैसा, गुलाबी आता है, यानी दोनों का मिला हुआ भाव। तो इसे कहते हैं कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम ये होता है, कार्ल कॉरेंस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वमान्य रक्तदाता है? रक्तदाता मतलब रक्त देने वाला कौन सा होता है, ओ, और सर्वग्राही कौन होता है, ये होता है ए बी, सर्वग्राही। और ओ होता है सर्वदाता, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित हो, जब कोई गुण है एक से ज़्यादा जोड़ा एलील का जोड़ा हो जा सकता है, जैसे आई ए आई ओ, आई ए ब्लड ग्रुप हो गया ए, तो एक से ज़्यादा एलील के द्वारा अगर कंट्रोल होता है एक गुण तो उसे कहते हैं बहुविकल्पता। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, अनुवांशिकी का नियम दिया था, अनुवांशिकी का नियम। अगर क्वेश्चन देगा अर्जित गुणों का नियम किसने दिया, तो लैमार्क। अगर बोलेगा सहलग्नता का नियम किसने दिया, तो होगा थॉमस हंट मॉर्गन। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया जो है एक वंशागत रोग है, अप्रभावी लक्षण होता है और एक्स गुणसूत्र से संलग्न होता है, और इसलिए आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, द्विसंकर क्रॉस जब करवाते हैं तो उसका फिनोटाइप अनुपात कितना आता है? तो फिनोटाइप आता है कितना, 9:3:3:1, लेकिन यहीं पर आंसर दे देगा क्या, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप क्या होगा द्विसंकर का, 1:2:1:2:4:2:1:2:1 होगा। तो ये होगा 121, 242, 121। अगला क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक क्या होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब हो जाता है तो क्या होता है कि रहना चाहिए 44, 46 गुणसूत्र, लेकिन होता क्या है 44A,
और प्लस में हो जाता है कितना, एक्स बाई होता ही है लेकिन साथ में एक एक्स और बढ़ जाता है, इसलिए किन्नर का जन्म होता है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 2a+xx y। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग कौन से हैं? मानव में रुधिर वर्ग कौन कौन सा होता है, ए बी ए बी और कौन होता है ओ। किसने खोजा था, तो लैंडस्टीनर ने खोजा था। रक्त के वर्ग की खोज नहीं किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि जब दो जीन एक साथ रहते हैं तो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, लेकिन सहलग्नता का नियम इसका अपवाद है। सहलग्नता कहता है साथ में जाता है। अगला क्वेश्चन, एक लंबा पौधा है जिसको स्वपरागण कराते हैं, तो लंबा पौधा है स्वपरागण कराते हैं, तो लंबा आ रहा है बौना आ रहा है, मतलब जीन दोनों है ये है। इसको स्वपरागण करवाने का मतलब है इसको ऐसे करवाना, तो इसको पुन्नेट स्क्वायर से जब इसको करेंगे तो ये इस तरह का होगा। अब इसको कह रहा है क्या, लंबा तथा बौने पौधे दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, तो प्रथम संतान कौन सा होगा, तो प्रथम संतान जब करेंगे तो कौन सा होगा ये देखिए। तो पहला संतान कौन आया, कैपिटल टी कैपिटल टी, और कैपिटल टी मतलब कौन सा आया, लंबा। अगर यही बोलता अंतिम संतान कौन आता, तो अंतिम संतान आता कौन सा, बौना, तो आंसर होगा कौन सा, लंबा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध हाइब्रिड है? शुद्ध हाइब्रिड मतलब कहने का मतलब है मिलावट, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल, इसमें ये तो हाइब्रिड है लेकिन ये हाइब्रिड नहीं है, तो आंसर यहाँ कौन सा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हाइब्रिड है। अगला क्वेश्चन, यदि माता का रक्त समूह ओ है और उसके बच्चे का भी ओ है, तो कब बच्चे का हो सकता है, जब पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ होगा तब। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से पौधे का प्रयोग किया था? तो मेंडल ने प्रयोग किया था किसका, मटर के पौधे का, मटर के पौधे का। अगला क्वेश्चन, मेंडल का जन्म कब हुआ? मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में, सिलिसियन, ऑस्ट्रिया का सिलिसियन शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपना प्रयोग किया कब तक किया था? तो मेंडल ने 7 साल तक प्रयोग किया था, 7 लक्षण का प्रयोग किया था, और 7 साल कब से, 1856 से लेकर के 1863 तक। अगला क्वेश्चन, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण मेंडल के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था? तो पहला तो याद रखना है मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे, 7। पहला लक्षण, तने की लंबाई। दूसरा, पुष्प का रंग। तीसरा, पुष्प की स्थिति। चौथा, फली का रंग। पांचवा, फली का आकार। छठा, बीज का रंग। और सातवां, बीज का आकार। 7 लक्षण लिया था, तो यहाँ तने की रंग की नहीं चूज किया था, मेंडल ने नहीं प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एक्स ओ प्रकार, एक्स ओ मतलब एक ही एक्स है, एक्स एक और नहीं है, तो मनुष्य में एक्स ओ प्रकार की गुणसूत्रीय असमानता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो टर्नर सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन, F1 पीढ़ी के हाइब्रिड, F1 पीढ़ी मतलब ये हो गया, इसको जब अप्रभावी अप्रभावी जनक के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो अनुपात क्या आएगा? तो इसको क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी।
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये दोनों आया कैसा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया दो और स्मॉल टी आया दो, यानी कट जाएगा 1:1, तो हमेशा ही आएगा। अगला क्वेश्चन, एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? एक जीन के विभिन्न रूप को कहते हैं एलील। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है किसको? तो मेंडल को, ये याद रखना है। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है प्रायोगिक अनुवांशिकी के पिता, प्रायोगिक अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई लक्षण स्थानांतरित होता है, तो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? वंशागति, वंश में ट्रांसफर हो रहा है इसलिए वंशागति। लेकिन जब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी से अलग रहता है तो उसे कहते हैं विभिन्नता, जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के साथ ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं संलग्नता, और एक जीन एक गुणसूत्र के एक जीन दूसरे गुणसूत्र के जीन से अदला बदली होता है तो उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये था इस चैप्टर का प्रथम वीडियो जिसमें 25 क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, और इसके बाद अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे।